ये घर शुरुआती डॉल फैक्ट्री में क्लासिक टीवी डार्लिंग स्टाइल में बनाया गया है। इसे देखो, घर में प्राइवेट पॉन्ड भी है। नहीं, ये बहुत ही बोरिंग है और बदबूदार भी है। मैं तुम्हें 10 घर दिखा चुका हूँ, तुम्हें कैसा घर चाहिए? मुझे एक शानदार हाउस चाहिए जिसमें बहुत सारा गोल्ड और ब्राइट कलर्स हो। ओह, एक स्विमिंग पूल भी। स्विमिंग पूल भी? मैं ऐसा घर कहाँ से ढूंढूं? मैं परेशान हूँ। चिंता मत करो सामी, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। गर्ल्स, तुम्हें इस बात से कोई परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, बस पूल के बारे में मत भूलना। बढ़िया, तो फिर चलो कंस्ट्रक्शन शुरू करें। सबसे पहले हमारे घर को वॉल्स की जरूरत है, वरना घर नहीं बनेगा, है ना? चलो इन्हें साथ में लगाते हैं। ठीक है, इसे कहाँ रखूं? ओह, मैं समझ गई। हे, फर्नीचर कहाँ है? और पूल? हमने बस अभी शुरुआत की है, सब रखो प्लीज। बहुत टफ क्लाइंट था, हाँ? वो बहुत ही उतावले हैं। मेरे पास कुछ है, मैं बाथटब ले आया और ये बहुत भारी है, मदद करो। मुझे दो। डॉल ने कहा था उन्हें घर में बहुत सारा गोल्ड चाहिए और बाथटब को शानदार बनाने के लिए ये लेस सही रहेगी। ओह, और इसे मजबूत बनाने के लिए हम इस पर गोल्डन लेस लगा देंगे। एक सेकंड रुको, सिर्फ दो ही क्यों है? शायद मुझे हेयर ड्रेसर बन जाना चाहिए, रियल एस्टेट मेरे बस की बात नहीं है। बकवास बंद करो सामी, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी बस क्लाइंट्स के साथ किस्मत अच्छी नहीं है। hey! अब हमें शावर चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है, देखो। शानदार लग रहा है, चलो इसे यहाँ लगाएं। और इस क्यूट टैप को भी लगाते हैं। मेरे पास टॉयलेट के लिए डिजाइन आइडियाज भी हैं। ओह, ये बहुत भारी है, क्या हुआ? चलो भी, क्या? मैं बस इसे टेस्ट करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। ओह नहीं, जब तक ये पूरा ना हो जाए तुम टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ये डॉल्स भी ना, मैं कहाँ थी? हाँ, गोल्डन डिजाइन, मैं निचले हिस्से में भी गोल्डन लेग्स लगाऊंगी। आहा, चलो लिड को राइनस्टोन से सजाएं। ये सच में शानदार लग रहा है। हे भगवान, लगता है आज मेरे पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। माफ करना, मुझसे मेरे नए घर को देखने का इंतजार नहीं हो रहा है। वैसे इस बॉल को यहाँ लगाएंगे और हम किचन को नहीं भूल सकते हैं। मैंने फ्रिज को लगभग बना लिया है। बहुत बढ़िया, तो फिर मैं डोर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। इसे असली फ्रेश डोर जैसा बनाने के लिए मैं इसमें कुछ नॉचेस बनाऊंगी। हम इसे कुछ मैचिंग डिजाइन से डेकोरेट करेंगे। क्या बात है, अब हमें हैंडल्स चाहिए ताकि डॉल्स आसानी से फ्रिज को खोल सके। बहुत बढ़िया, और अब सबको एक साथ जोड़ते हैं ऐसे। हमारे सुंदर फ्रिज को यहाँ पर रखेंगे। हालांकि हमें इसे खाने से भरना होगा। शुक्रिया कुरियर सैम, तुम सही वक्त पर आए हो, हम ये सब चीजें फ्रिज के अंदर रखेंगे। क्या तुम्हें लगता है इतना ब्राइट पिंक कलर हमारी डॉल्स के लिए काफी रहेगा? मेरे ख्याल से ये सही रहेगा, पर फिर भी हमें इसे गोल्डन एक्सटेंट्स के साथ एनहांस करना होगा। याद है ना, कैबिनेट के लिए 3 डोर्स चाहिए। वाला, चलो इसे ग्लू करें। हो गया, और हम हैंडल्स के बारे में नहीं भूल सकते। कितनी बढ़िया खुशबू है, जरा इन सुंदर फ्लावर्स को तो देखो। वाह, ये किचन कैबिनेट पर एकदम बढ़िया लगेंगे। क्या हैंडल्स? ठीक है, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। सामी, येलो रोजेस ढूंढने की कोशिश करो, मुझे यकीन है ये हमारे इंटीरियर में अच्छे लगेंगे। और मैं बाकी का बचा हुआ काम कर लेती हूँ, जैसे कि मैं ऊपर एक काउंटर लगाऊंगी और ये सुंदर शाइनी टाइल वॉल पर लगाएं। शानदार लग रहा है। क्या ये एक बेड है और फ्रिज के पास है? ये एक सपने जैसा लगता है। बिल्कुल नहीं, ये किचन काउंटर है, तुम यहाँ कुक करोगी। देखो ये रहा स्टोव। मैं बहुत लकी हूँ सियो, मुझे रोजेस से भरा हुआ एक मेडो मिला है। बहुत बढ़िया सामी, चलो इन्हें लेते हैं किचन में, इन्हें रखने के लिए ये जगह बढ़िया है। हम वेजिटेबल्स की भी एक बास्केट रखेंगे ताकि हमारी डॉल्स हेल्दी खाना खाएं। और हमारा किचन तैयार है। अब बेडरूम की बारी है, हमें एक शानदार बेड बनाने के लिए एक मजबूत बेस चाहिए। शायद मैं फैशन डिजाइनर बन सकता हूँ, मेरा आउटफिट को देखो। ये बहुत बढ़िया है, मगर मुझे लगता है ये आरामदायक नहीं है। शायद तुमने सही कहा, पर ये लेस हमारे बेड पर बहुत ही शानदार लगेगी। ये बहुत ही अच्छा बना है। ही, ये इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि हमने अभी तक मैट्रेस नहीं रखा है, अब ये बहुत ही सॉफ्ट है।
हमें एक हेडबोर्ड भी चाहिए। शायद ये शेप बढ़िया है, चलो इसे काटे। मैं मदद करता हूँ। क्या बात है, शुक्रिया। पर चलो हेडबोर्ड को सॉफ्ट बनाते हैं ताकि डॉल्स आराम से बैठ सकें। ज्यादा गोल्ड, ज्यादा बीट्स, ज्यादा शानदार। ठीक है ठीक है, क्लाइंट हमेशा सही होते हैं। चलो पूरे हेडबोर्ड पर बीट्स लगाएं। और भी ज्यादा, हम इन्हें किनारों पर भी लगाएंगे। ये बेड बहुत ही आरामदायक है, मुझे नींद आ रही है। मुझे भी। मैं सो नहीं सकता हूँ, ये पिलो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब ये हमारे डॉल हाउस में अच्छे लगेंगे। अब चलो इस पर्पल रग को बेड के पास रखते हैं। और स्लिपर्स रखें ताकि हमारी डॉल्स को सुबह पैरों में ठंड ना लगे। बेडरूम तैयार है, चलो अब स्विमिंग पूल बनाते हैं। ये स्विमिंग पूल अच्छा नहीं है। बाहर निकलो, हम अभी काम कर रहे हैं। हमारी डॉल्स को और ब्राइट कलर्स चाहिए, तो हम एक रेनबो डिजाइन पूल बनाएंगे। ये मिरर इस स्विमिंग पूल में चार चांद लगा देगा। और हम गैराज एंट्रेंस को नहीं भूल सकते हैं, ये साफ और अच्छा होना चाहिए। बढ़िया, हम हॉलवे को भी डेकोरेट करेंगे। मेरे पास कुछ येलो बीड्स बचे हैं। येलो। वाह, हमने कितना खूबसूरत पैनल बनाया है, चलो इसे डोर पर लटकाएं। फ्लोर व्हाइट होगा तो फिर कारपेट रेड होना चाहिए, मुझे ये कॉम्बिनेशन पसंद आया। ये लंबा आर्च हमारे इंटीरियर पर शानदार लगेगा। डोर्स यहाँ लगाएंगे। हाँ, हमारे पास इनके लिए हैंडल्स भी है। ओह, और हाँ बिल्कुल, हम रूफ को नहीं भूल सकते, बारिश कभी भी हो सकती है। चलो इस सुंदर ऑर्नामेंट को डॉल्स के बेडरूम पर लगाते हैं। सामी देखो, ओह तुम्हें पसंद आएगा। क्या आपने इसे देखा? यह असली घर जैसा लग रहा है। हाँ, उम्मीद है यहाँ कोई पेपराज़ी नहीं है, मैंने मेकअप नहीं किया है। यहाँ देखो, वाओ शानदार। सामी ज्यादा जोश में मत आओ। ठीक है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। हम बाग से सोफे को असेंबल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले चलो एक अप हॉल ट्री बनाते हैं। और हाँ बिल्कुल, गोल्डन डेकोर भी करेंगे। मुझे आर्मरेस्ट चाहिए। सामी फिर? मैंने बना लिया सिर्फ ये लो। तुमने अच्छा काम किया, शुक्रिया। यहाँ पर कुशन्स रखेंगे ताकि आराम से बैठ सके। और हाँ बिल्कुल, और डेकोर। ओह, मैं सोफे के बैक पर भी और बीड्स लगाना चाहती हूँ। मुझे लगता है हम काउच को और भी ज्यादा चमका सकते हैं। तुमने सही कहा सामी, चलो शुरू करें। चलो इसे और शाइनी बनाएं, ऐसे। सैम, तुम क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे पास टेबल ला रहे हैं। ले आओ गर्ल, लाओ लाओ लाओ, बस थोड़ा और, बस हो गया। भारी है। मैं इसे ले रही हूँ, हम इसे सोफे के पास रखेंगे। ये बहुत बढ़िया है, चाय पीने के लिए बढ़िया जगह है। चिंता मत करो, शेफ सैम इसे संभाल लेगा। सबसे पहले इस ग्रीन प्ले से एक बेस बनाएं। अब व्हाइट प्ले से इसे सजाते हैं। अभी तुम खुद कर सकती हो, है ना सिर? बिल्कुल, यहाँ मैं एक ट्विस्टेड लाइन बनाऊंगी और ये वेव बन गई। और ऊपर नेट बनाएंगे। अब मेरी पसंदीदा चेरीज ऊपर लगाएंगे। यम्मी, हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए मजेदार ट्रीट है। अब आखिरी टचेस, हमें स्टेयर्स चाहिए, है ना? कार को गैराज में रखते हैं और पानी को पूल में डालते हैं। बढ़िया, तुम्हें पसंद आया? हम बहुत खुश हैं, आखिरकार हमें हमारा घर मिल गया। ये हे टीवी रावो, मेरा काम खत्म हुआ। कितनी सुंदर सुबह है। आज बेड पर से उठकर मुझे अच्छा लग रहा है। दिन की शुरुआत करने के लिए बबल बाथ से अच्छा कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग ब्लॉन्डी, क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? ये सोफा बहुत सॉफ्ट है। सुनकर अच्छा लगा।
क्या मुझे भूख लगी है? नहीं। हे, चलो पूल में स्विमिंग करते हैं। रुको। हे, तुम दोनों, क्या तुम भूल गए? आज पार्टी है। ओह हाँ, वुहू। ये। हे, यहाँ देखो, सभी प्लीज बोलो चीज। ये अब तक की बेस्ट पार्टी है। सही कहा। वाह, इनका पूल शानदार है। ये केक बहुत स्वादिष्ट है। ओम न्योम न्योम। हमने कर दिखाया। सामी, मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय।